नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जयपुर से अपडेट है जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने छापेमार कार्यवाही की है, अधिगम कोचिंग पर छापेमार कार्यवाही की गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। कोचिंग स्टाफ सहित बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से। बीच क्लास में कार्यवाही की गई है, तो चलती क्लास में आपको बताएं कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। इस दौरान बिना कागजात फर्जीवाड़े से कोचिंग चल रही थी, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। पेपर लीक मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की है ये कोचिंग। जयपुर से जानकारी है जहां पर पुलिस ने छापेमार कार्यवाही को अंजाम दिया है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अधिगम कोचिंग सेंटर में छापेमार कार्यवाही की है और आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया है। इस दौरान बिना कागजात फर्जीवाड़े से कोचिंग चल रही थी, फर्जीवाड़े से कोचिंग चलाई जा रही थी और अभ्यर्थियों की ओर से हंगामा किया गया है। पेपर लीक मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की ये कोचिंग है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है जो इस बीच सामने आ रही है। तो इस बीच आक्रोशित अभ्यर्थियों का हंगामा भी देखने को मिला है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है, बिना कागजात के फर्जीवाड़े से ये कोचिंग जो है चलाई जा रही थी, फर्जी तरीके से कोचिंग का संचालन किया जा रहा था। पेपर लीक के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की ये कोचिंग है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए अभी हाल ही में प्रदेश में, पेपर लीक होने के तार भी आपको बता दें कि कोचिंग संचालक से जुड़े हुए हैं। सुरेश ढाका की ये कोचिंग है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इस बीच इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासनिक अमला जो है देखने को मिल रहा है, और वहीं दूसरी ओर किस तरीके से तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो भी मौके पर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजाउल्लाह, जानकारी आपसे कार्रवाई को लेकर लेना चाहेंगे, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और किस तरीके से पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए बिल्कुल साफ है, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई को पुलिस के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, हालांकि जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उन अधिकारियों से हमने बात करना चाहिए लेकिन वो कहीं पर बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठा पाए। लेकिन जिन तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई गई कि किस तरह से पुलिस की जो छापेमारी है वो यहाँ पर लगातार जारी रही और कुछ थानों इलाकों का जाप्ता भी यहाँ पर पहुंचा, और जाप्ता पहुंचने के बाद जैसे ही यहाँ पर छापे मारने की कार्रवाई शुरू की गई वैसे ही जो तमाम अभ्यर्थी थे उन्होंने बीच में ही हंगामा कर दिया और अपनी कोचिंग सेंटर छोड़कर वो बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर हंगामा करने लगे उन तमाम लोगों को पुलिस ने समझाया, युवाओं को, और यहाँ से रवाना किया। लेकिन बड़ी बात ये सामने आ रही है कि जो ये पूरा जो कोचिंग सेंटर है वो पेपर लीक मास्टरमाइंड सुरेश ढाका की बताई जा रही है, तो पुलिस वहां पर कोई जानकारी लेने के लिए पहुंची थी। फिलहाल जो है पुलिस की जो लगातार कार्रवाई है वो यहां पर जारी है, लेकिन जैसे ही पुलिस विभाग के जो अधिकारी है उनकी तरफ से बाकायदा ऑथराइज बयान जारी हो जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आखिर छापेमारी किस लिए की गई और इस पूरी छापेमारी के पीछे वजह क्या रही थी। जी रजाउल्ला, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अभ्यर्थियों में रोष देखने को मिला, उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहना था उनका? बिल्कुल, देखिए अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग तो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों अलग अलग शहरों और अलग अलग राज्यों से यहाँ पर रहकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या दोष है क्या कसूर है जो हम लोगों को बीच पढ़ाई से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की यहाँ पर काबिले तारीफ करनी पड़ेगी कि जो पुलिस है उस पुलिस ने तमाम युवाओं को समझाया कि आपको लेकर हम किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो यहाँ पर जारी रहेगी। इस वजह से इन अभ्यर्थियों को ये कहना था कि आप बिना फजूल हम लोगों को तंग कर रहे हो, तो उसको लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत एक बार की जो है गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल इस तरह का गुस्सा अब शांत हो चुका है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। जी जी रजाउल्लाह, अब इस बीच जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से ये पूरे तार जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं पेपर लीक से, किस तरीके से कड़ी जोड़ी गई है और इसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस विभाग की ओर से? बिल्कुल, देखिए जो मास्टरमाइंड सुरेश ढाका है उसके ऊपर कल ही जो राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े मुखिया हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, उनकी तरफ से पीएसक्यू की तरफ से एक आदेश जारी किए गए थे कि जो सुरेश ढाका के बारे में जानकारी देगा उसको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि पहले उदयपुर के बाद जालौर, जालौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जयपुर, और अब जिस तरह से एक राजधानी जयपुर के इस जो है इलाके के अंदर कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से, तो पुलिस भी देखना चाह रही है कि कोई जो अलग अलग संस्था है या फिर यू कहीं अच्छा अलग अलग कोचिंग सेंटर है उन तमाम लोगों की कहीं मिली भगत तो नहीं है। फिलहाल जो कार्रवाई है उसको लेकर अभी तक आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं हुआ है, जैसे आधिकारिक बयान
जारी हो जाएगा, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि यहाँ से किन किन चीजों को पुलिस ने बरामद किया है। बिल्कुल रजाउल्लाह, तमाम अपडेट्स पर नजर बनाए रखें आप लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी रजाउल्लाह।